मन से अपने अपने विचार रखे, बड़े खुले मन से चर्चा हुई। जहां जहां हमारी कमियां हैं और जहां जहां हमारी ताकत हैं, उन सब का गहन चिंतन से अवलोकन किया गया, खुले मन से और साफ दिल से उस पर चर्चा हुई। सभी नेताओं ने अपने विचार रखे और उस सारी मंत्रणा का जो सार था वो एक कांग्रेस कार्य समिति के बयान के तौर पर श्री केसी वेणुगोपाल जी ने आपको पढ़कर सुनाया है। उसका हिंदी रूपांतर मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जारी वक्तव्य, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पार्टी का यह मानना है कि अपनी रणनीति में खामियों के चलते हम जहां 4 राज्यों में भाजपा सरकारों के कुशासन को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर पाए, वहीं पंजाब राज्य में नेतृत्व बदलाव के बाद मिले सीमित समय में सत्ता विरोधी लहर पर काबू नहीं पाया जा सका। कांग्रेस पार्टी देश में आज व्यापक राजनीतिक निरंकुशता के खिलाफ करोड़ों भारतीयों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी इस जिम्मेवारी के प्रति पूरी तरह से सजग और जागरूक है। कांग्रेस कार्य समिति लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है जिन्होंने 5 राज्यों के इन चुनावों में पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए अथक परिश्रम किया। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस पार्टी भविष्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोकसभा व राज्यों के चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी से निपटने के लिए तत्परता से हर तैयारी करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें तथा राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन की सभी कमजोरियों को दूर करें। जैसा आदरणीय वेणुगोपाल जी ने बताया, इस वक्तव्य के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद के इस सत्र के ठीक बाद, बहुत जल्द खत्म होते ही, सत्र की समाप्ति के फौरन बाद एक व्यापक चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी बुलाएगी जहां भविष्य की रणनीति पर व्यापक परिचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा। इस बारे में इसी माह के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो अब स्वागत है। देखिए, जब चिंतन होता है कार्य समिति में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इसीलिए सार्वजनिक नहीं है, पर उस चिंतन का जो पूरा निचोड़ निकला है वो केसी वेणुगोपाल जी ने आपको पढ़कर बताया। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, पर एक बात बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी कॉमा फुल स्टॉप के सामने थी कि कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा।
जब तक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न ना हो जाए। लॉट्स ऑफ डेलिब्रेशंस टुक प्लेस इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन ए फ्री एंड फ्रैंक फैशन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी डेलिब्रेशंस एंड एवरी सिंगल सेंटेंस स्पोकन बाय एवरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द CWC इज नॉट ओपन टू मीडिया एंड आउटसाइड फ्रेंड्स। द कंक्लूजन ऑफ द डेलिब्रेशंस ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी हैव बीन रेड आउट टू यू by the honorable general secretary organization shri kc venugopal, hindi version of which I read out for you. One thing every single member of the congress party was unanimous upon, that only and only they have absolute faith in the leadership of shrimati sonia gandhi, and sonia gandhi ji shall continue to lead us until the conclusion of the organizational elections, and there cannot be a whisper otherwise on any such front of leadership. Ma'am, you wanted to ask something. I'll come to you after. Ma'am, a comprehensive report was submitted by each of the in charges of the 5 election going states, whether it was Shri Harish Chaudhary for Punjab, and then Shri Ajay Makan, who was chairman of the screening committee in Punjab, whether it was Shri Devinder Yadav in charge of Uttarakhand, or Shri Harish Rawat, who is a former chief minister and chairman of the campaign committee in Uttarakhand, whether it is Shri Dinesh Gundurao in charge of Goa, and Shri P. Chidambaram, who is a senior observer for Goa, whether it is Shri Bhakta Charan Das, who is in charge of Manipur, and Shri Jairam Ramesh, who is a senior observer for Manipur, whether it is Shrimati Priyanka Gandhi Vadra ji, who is in charge journal secretary for state of Uttar Pradesh, and of course the many former in charges, and Shri Bhupesh Baghel, I'm sorry, I stand corrected, senior observer for Uttar Pradesh. So each one of them presented their reports to the Congress working committee, gave out detailed reasons of what they felt were the pluses and the minuses for the party, also gave out detailed reasoning of what according to them, as also according to the senior observer of the party in the respective state, went wrong, where does the party need to be strengthened, what is it that needs to be set right, and what according to them should be the course corrections for the future in those particular states. Many former journal secretaries, for example, the former journal secretary in charge of UP, Shri Ghulam Nabi Azad, Shri Digvijay Singh, many of them also chipped in with their suggestions, also gave out their own experiences of when they had failed in those respective states. So it was a healthy, free and frank discussion. देखिए, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव इस समय चल रहा है और आदरणीय महासचिव संगठन कई बार बता चुके कि वो 20 अगस्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निश्चित है, और मैं एक से अधिक बार आपको ये बात कह चुका कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर नेता ये चाहता है कि श्री राहुल गांधी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व करें, पर कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव है, संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय होगा।
यस सर। आदरणीय मित्र, बहुत सारे, जैसा मैंने कहा